मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि लोग राहुल जी को अब कोई सीरियस नहीं लेता। आज रोजगार दिवस है, महीने में एक दिन रोजगार दिवस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। रोजगार के लिए हम तीनों तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, एक शासकीय नौकरियों में रोजगार, तो नवंबर के महीने में ही लगभग 40,000 सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन इत्यादि निकल जाएंगे, प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, साल भर में 1,00,000 तक ये संख्या पहुंचेगी। लेकिन केवल शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, इसलिए शासकीय नौकरियों के अतिरिक्त हमने ये भी तय किया कि स्वरोजगार की जितनी योजनाएं हैं, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अनेकों योजनाएं, उनके तहत हर महीने हम नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। आज पीथमपुर से रोजगार दिवस का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, लगभग 3,00,000 लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं के लिए लोन मिलेगा और कई अलग अलग तरह की सब्सिडी जो हमने अलग अलग योजनाओं में दी है उसका लाभ मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में जो निवेश आ रहा है उसके कारण भी भर्तियां होती है, चाहे वो कारखानों में हो या अन्य संस्थानों में, तो उस कार्यक्रम को भी हमने साथ में जोड़ा है। मेरा आज विद्युत दौरा है, ग्वालियर का दौरा है, मुरैना का दौरा है, शिवपुरी और गुना का दौरा है, कल शिवपुरी और दतिया का दौरा है। और हमारी यही सोच है कि विकास और प्रगति की जो सिलसिला शुरुआत हुई, एक एक ज़िले तक ज़मीनी स्तर पर विकास और प्रगति की योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज़मीनी स्तर तक हम लोग ले जाएं। ग्वालियर चंबल संभाग में विकास और प्रगति की नींव जो पिछले कई दशकों से हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए रखी है, उस नींव को हमें आगे बढ़ाना है। पिछले बार बहुत भव्य कार्यक्रम गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था ग्वालियर में, और ये भी विश्वास मैं ग्वालियर वासियों को आपके द्वारा दिलाना चाहता हूँ कि ये श्रृंखला आगे भी चलते रहेगी। उस मंच से भी मैंने और शिवराज सिंह जी ने भी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ग्वालियर के लिए अनेक सौगातों के बारे में चर्चा की थी। नरेंद्र सिंह जी, हम, शेजवलकर साहब, मुख्यमंत्री जी साथ में मिलकर आने वाले निकट भविष्य में भी उन सौगातों की भी शुरुआत ग्वालियर में करेंगे और तीव्र गति से कार्य होगा। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा अभी एयरपोर्ट आने के समय में, तीव्र गति से एयरपोर्ट का कार्य अभी चल रहा है। रिकॉर्ड टाइम में इस एयरपोर्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को इस एयरपोर्ट को हम लोग समर्पित, भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं पूरे प्रदेश में आज लागू हैं और इतिहास से लागू रही हैं, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर भी लाडली लक्ष्मी योजना के द्वितीय भाग की शुरुआत की गई, यहाँ 25,000 रुपये का पहला किश्त हमारे लाडली लक्ष्मियों के खाते में रखा गया और उस दिन भी 2 सौगातें मैंने अपने विभाग से भी दिलवाई थी, इंदौर चंडीगढ़ का प्लेन और भोपाल उदयपुर का कनेक्टिविटी। तो हमारी यही सोच है विकास और प्रगति, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है विकास के आधार पर, प्रगति के आधार पर। और मनोरंजन के लिए राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, पर देश के लिए कैसे ही है, देश की जनता 2 चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले 2 विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। देखिए, कांग्रेस दोनों राज्यों में बहुत मुश्किल है, दोनों बहुत संकट में है, दोनों राज्यों में, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। धीरे धीरे कांग्रेस और सिकुड़ती जा रही है, हमें दुख है। कांग्रेस तरह की पार्टी जो ये दावा करती है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई है, वो पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है।
मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल जी के आने से कांग्रेस में कोई बहुत परिवर्तन हो जाएगा या कुछ उनकी पद यात्रा से कुछ होगा, क्योंकि लोग राहुल जी को अब कोई सीरियस नहीं लेता। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको याद हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था, और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बन जाती, बनी गई थी। वोट हमारे भाई वोट ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी, शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। डेढ़ साल कैसी जल्दबाजी, जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। अच्छा।